फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। और कल का बहुत दिन अच्छा रहा, लेकिन बर्थडे के बाद बर्थडे ख़त्म हुआ, उसके बाद मतलब हम बहुत ज़्यादा थक गए और फिर सो गए, और ऊपर से दाया भी तंग कर रही थी तो कुछ ज़्यादा शूट नहीं हुआ, तो उतना ही शूट हुआ। और अभी आज है अष्टमी और मैं उठ चुकी हूँ, और मैंने बस अभी खाना बनाना है और मैं नहा रही हूँ, तो अभी चलते हैं किचन की ओर। और ये सब सोए हुए हैं, अभी ज़्यादा अंधेर हो गया। ये देखो कैसे सोए हुए थे हम, उधर हिदाया दी जीजू ये हितेश, और ये सब डेकोरेशन ख़त्म हो गई, सारे बैलून इधर उधर पड़े हुए हैं। और अभी किचन में अब खाना बना रही हूँ मैं, छोले चढ़ा दिए मैंने, और बस अभी पूजा के लिए आटा लगाऊंगी, फिर हलवा बनाऊंगी बस। तो फ्रेंड्स, अभी बज गई है 6, शाम हो गई है, और सुबह मैं इतना ज़्यादा मतलब थक गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब कल भी था पूरा दिन हेक्टिक गया और आज सुबह भी। तो कन्या हमारी हुई थी, कितनी हुई थी, 4 हो गई थी, 4 कन्या हो गई थी और 2 लड़के हो गए थे, तो हमने इतना ही मिला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा मानते नहीं है ना, जैसे ये अष्टमी वगैरह करते हैं ना, इनको पता नहीं है। तो और फिर यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी बने, कौन क्या रहता है पता ही नहीं है यार कुछ भी। और यहाँ पे एक अपनी दाया हो गई थी और एक शानू हो गई थी, 2 ही हो गई थी, 2 नीचे चौकीदार रहते हैं उनकी लड़की, 2 वहाँ हो गई थी, तो 4 तो यही हो गई थी लड़कियाँ, और फिर 2 लड़के हो गए थे। तो फिर ऐसे करके हमने अपना अष्टमी हमने अच्छे से निपटा ली, और हलवा बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, और हलवा छोले बनाए थे और पूरी थी। तो बस हम फिर दी और चले गए थे दिन में, वो 12:30 से 12:30 दी और चले गए थे। फिर हम भी खाना खा के, हितेश को तो ऑफिस है, हितेश की सुबह से बैठे हैं, कॉल चली हुई है इतनी, मतलब क्या क्या हो गया कॉल में समझ नहीं आ रहा। तो फिर इदाया और मैं खा पी के मस्त अपना सो गए थे, और फिर हम 3 बजे उठे खा पी के, और फिर हम ऐसे अपना बाहर बैठे थे, थोड़ा हवा अच्छी चल रही है, हवा का मज़ा ले रहे थे। और फिर हम गए एक शॉप पे, जो ये साथ साथ में नेबर रहते हैं ना, इनको अपना ब्लाउज स्टिच करवाना था, तो उन्होंने बोला कि चलने के लिए मेरे साथ, मैं चली गई। तो वहाँ शॉप पे पता है क्या हुआ, हाँ तो वहाँ पे शॉप पे हुआ कि हम गए वहाँ पे, तो वो लेडी थी, वो स्टिच भी करती है और अपने कपड़े भी रखती है, तो ये उससे सामान खरीद रहे थे, तो वो इदाया को उसने देखा, उसके पास एक फ्रॉक था, तो उसको तेलुगु आती थी, मुझे समझ नहीं आया, वो ना बार बार इदाया को बोल रही थी ले लो, मैंने सोचा वैसे ही बोल रही है, मैंने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, तो वो ज़बरदस्ती करने लगी कि ले लो, तो फिर पता लगा वो कह रही थी कि फ्री में ले लो, मैंने कहा नहीं फ्री में क्यों, तो उसने बताया मतलब ट्रांसलेट किया, जो हमारी नेबर गई उसने ट्रांसलेट किया हिंदी में, तो उसने बताया कि वो किसी कोई ऑर्डर दे के गया था बनाने के लिए, लेकिन वो वापस रिटर्न ही नहीं आया, तो उसने बड़े प्यार से बनाया था, तो वो कहती मैं दाया को बड़े प्यार से दे रही हूँ ले लो। और मैं आपको फ्रॉक दिखाती हूँ, दाया को ट्राई करके देखा वहाँ पे, थोड़ा छोटा है लेकिन ये है अच्छा लग रहा था, ये देखो दिखाना, मैं आपको भी बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये देखो फ्रॉक, इदाया का फ्रॉक मतलब सुंदर है, उसने खुद स्टिच किया हुआ है, ये स्टिच करके रखा हुआ था, तो वो जबरदस्ती बोलने लगी कि नहीं ले लो, ये मैंने ना बड़े प्यार से बनाया है, मैं प्यार से दे रही हूँ इदाया को। और फिर इदाया को किसी वगैरह करने लग गई, और फिर इदाया वहां पे उसको फ्लाइंग किसी में फ्लाइंग किसी दे रही और वो कह रही ओ उसको किसी करने लगी प्यार से। और देख रहे हो इदाया को फ्री में फ्रॉक मिल गया, ये फ्रॉक इदाया को फ्री में मिल गया, और आज वैसे भी अष्टमी थी तो इदाया को अपना गिफ्ट मिल गया अष्टमी का, है ना बाबू। और इदाया की किस्मत ही जोर कर रही थी कि मतलब मेरा कोई प्लान भी था जाने का, पहले तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं जा रही, फिर मैं चले गई, मैं कहा चलो घुमाते थोड़ा सा वॉकिंग हो जाएगी, तो फिर गई, तो फिर इदाया को ही मिल गया फ्रॉक, इदाया की किस्मत में था फ्रॉक ये वाला। तो बस और अभी हम बैठे हैं, सोच रहे हैं हम थोड़ा सा चाय पियेंगे, लेट हो गया, पता नहीं क्या मतलब आलस सा आया हुआ है ना, कल का दिन भी पूरा हेक्टिक सा गया, हालांकि कुछ काम नहीं था लेकिन वही थोड़ा हो जाता है। और आज भी फिर सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और फिर सब खाना वगैरह प्रिपेयर किया, तो टाइम मतलब थक भी गए, तो बस अभी चाय पी के और फिर हम जाएंगे, या तो इदाया को इंजेक्शन लगवाने जाएंगे, नहीं हमें ना गाय को रोटियां दे के आनी है, काफ़ी रोटी रखी हुई है और वो बहुत दूर है, देखते हैं अभी जाएंगे कि नहीं। तो फ्रेंड्स अभी खाना पीना सब हो गया है और हमने फिर से पूरी खाई,
क्योंकि आटा रखा हुआ था पूरियों का, फिर से मन करके खाने का, और कल वाली पनीर की सब्जी कल हमने ऑर्डर करी थी तो वो भी रखी हुई थी, तो बस मज़ा आ गया पूरी खा के। और हितेश का पहले ही फूल थे हितेश, क्योंकि हितेश ने शाम को खाना खाया था और अब फिर खाया है ना, तो हितेश को फुल हो गए और मैंने अभी खाया है, तो मस्त मज़ा आ गया। और इन दोनों को देखो कैसे बैठे हुए, इधर देख रही है अपना फोन और पापा के ऊपर जाके लेटी है, और हम एक देख रहे हैं सीरीज, थोड़ी सी हॉरर लग रही है सीरीज, देखते कौन सी है, क्या है, मजा आएगा क्या नहीं मजा आएगा, अभी फर्स्ट एपिसोड ही चल रहा है। तो बस आज यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे हो गया सुबह के बाद, एक तो हिदायत ना परेशान कर रही थी, उसने काम नहीं करने दिया मुझे, और ऊपर से फिर कुछ शूट ही नहीं हो पाया, और फिर हितेश का भी काम था, हितेश की कॉल थी 10:30 बजे, हितेश की कॉल थी तो वो काफ़ी लंबी चली, तो हितेश को भी टाइम नहीं लगा कि कितने बजे तक, 5 बजे तक हितेश की कॉल चली है, 10 बजे स्टार्ट हुई थी और वो 5 बजे तक कॉल चली है, तो हितेश को भी शूट करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाए कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो प्लीज़ ऐसे ही मैनेज कर लेना और प्लीज़ सपोर्ट करो, तो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में, तो प्लीज़ 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 अपना प्यार दिखाओ हमारे चैनल को, तो तब तक के लिए बाय बाय, इतु बाय बाय कर दो, बाय बाय, इसको मतलब ही नहीं है, इसको अपना फ़ोन देखना है, सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट।